बहराइच निवासी अबू बकर को दिल्ली पुलिस की स्पेशल टीम ने किया गिरफ्तार। पाकिस्तान से ट्रेनिंग लेकर लौटा था आतंकी, पूछताछ में जुटी है पुलिस। देश में 24 घंटे में मिले कोरोना के 27,176 नए मामले, लगातार 80 दिन से आंकड़ा 50,000 से कम। केरल में भी कम हो रहा है संक्रमण। अलीगढ़ में पुलिस को मिली बड़ी सफलता, पुलिस ने 12 घंटे में किया लूट का खुलासा। लूट में शामिल लुटेरों को पुलिस ने किया गिरफ्तार। बरेली में हुआ दर्दनाक हादसा, तेज बारिश से गिरी दीवार, दीवार गिरने से 4 साल के मासूम की गई जान। नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज वर्ल्ड इंडिया में, आपके साथ मैं हूं पारुल त्यागी। अबू बकर आतंक का पर्याय, जी हां, बहराइच के कैसरगंज कोतवाली क्षेत्र में रहने वाले आतंकवादी अबू बकर को पुलिस ने दिल्ली से गिरफ्तार कर लिया है और बताया जा रहा है कि अबू बकर के तार ISI और दाऊद से भी जुड़े हैं। इसी के साथ ये भी जानकारी मिली है कि दाऊद का भाई अनीस इन लोगों को गोला बारूद मुहैया कराता था और नवरात्र में यूपी समेत कई राज्यों को दहलाने की साजिश भी इनकी थी। ऐसे में पुलिस पूछताछ में लगी हुई है इनसे और तमाम जानकारियां जुटाने में पुलिस लगी हुई है। साथ ही आपको यह भी बता दें कि बहराइच एक बार फिर से सुर्खियों में आ गया है और बहराइच का ही रहने वाला अबू बकर बताया जा रहा है। हालांकि परिवार की तरफ से यह कहा जा रहा है कि उनका बेटा निर्दोष है और उसको जान पूछ कर फंसाया जा रहा है। साथ ही आपको बता दें कि पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है अबू बकर को और दाऊद से उसके तार जुड़े हो सकते हैं, ऐसे में कई जानकारी मिल रही है। अबू बकर को पुलिस ने किया गिरफ्तार। अबू बकर को दिल्ली से किया गया है गिरफ्तार। दाऊद से जुड़े हैं आतंकी के तार। देश को दहलाने की थी साजिश। पाकिस्तान से प्रशिक्षण लेकर लौटा था अबू भारत। तो बता दें आपको, आतंकी अबू बकर को पकड़ने के लिए दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल और ATS की टीम मंगलवार दोपहर पहुंची थी और ऐसे में 4 घंटे की छापेमारी के दौरान आतंकियों को अपने साथ लेकर टीम वहां से रवाना हो गई थी। इस दौरान जांच में पता चला है कि आतंकी को दाऊद इब्राहिम का भाई अनीस इब्राहिम फंडिंग कर रहा था, जिसके चलते हाल ही में आतंकी अबू बकर ने हाईवे से सटे चौराहे पर एक नए मकान का निर्माण भी कराया है। साथ ही आतंकियों की गिरफ्तारी के बाद आसपास के लोग सहमे हुए हैं और किसी को इस बात की बिल्कुल भी भनक नहीं थी कि उनका पड़ोसी किसी आतंकी संगठन से जुड़ा हुआ है। ऐसे में दिल्ली में ATS ने 6 आतंकियों को गिरफ्तार कर लिया है। वहीं आतंकी मोहम्मद अबू बकर को बहराइच से गिरफ्तार किया गया है। बताया जाता है कि अबू बकर के पिता मोहम्मद सुन्ना खान खेती करके परिवार का पालन पोषण कर रहे थे और बेटे को पढ़ाने के लिए लखनऊ उन्होंने भेजा था। हाल ही में उनका बेटा आतंकी संगठन से जुड़ा और रविवार को गिरफ्तार कर लिया गया। साथ ही आसपास के लोगों ने बताया है कि मंगलवार की दोपहर ATS की टीम आई हुई थी और सोनोली चौराहे पर स्थित आवास पर 4 घंटे छापेमारी की गई। इस दौरान आतंकी अबू बकर को हिरासत में लेकर साथ ही पुलिस चली गई। वहीं बता दें, जांच में पाया गया है कि आतंकी का पैतृक गांव प्यारेपुर में है और हाल ही में लखनऊ बहराइच हाईवे पर स्थित सोलोनी चौराहे के पास मकान और दुकान का निर्माण कराया गया है, जिसमें टेंट की दुकान चल रही है। जांच में यह भी पता चला है कि आतंकी को दाऊद इब्राहिम का भाई अनीस इब्राहिम कर रहा था, इसके चलते वो कम समय में ही ऐशोआराम की जिंदगी जीने लगा था। वहीं SP सुजाता सिंह ने बताया है कि ATS के आने की जानकारी हुई और यह भी जानकारी में आया है कि किसी व्यक्ति को अपने साथ में हिरासत में लेकर वो गई है। चलिए, ज्यादा जानकारी के साथ बहराइच से हमारे संवाददाता अनिल तिवारी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अनिल, अबू बकर को गिरफ्तार कर लिया गया है, पूछताछ लगातार की जा रही है, क्या कोई नई जानकारी निकलकर अभी तक सामने आई है?
जी ये जो अबू बकर है ये बहराइच जिले के कैसागंज कोतवाली के सोनाली क्षेत्र रहने वाला है और ये कई काफी दिनों से ये आतंकवादी गतिविधियों में लिप्त था। लेकिन इसके परिजनों का अभी तक कहना है कि हमें इस बारे में कोई जानकारी नहीं है। हम आपको और दर्शकों को बता दें कि बहराइच जनपद है और इंडो नेपाल बॉर्डर से काफी करीब है और पूर्व में यहाँ पे जो दाऊद का खानसामा था रसोईया वो यहाँ से गिरफ्तार हुआ था और लश्कर ए तैयबा के भी जो एक आतंकवादी है उसका भी घर ही बहराइच जनपद में है। तो जो कमांडर था और जम्मू कश्मीर लिबरेशन फ्रंट का भी तीन आतंकवादी यहाँ से गिरफ्तार हुए थे और पाकिस्तान का जासूस मसरूफ भी यहाँ से गिरफ्तार हुआ था। तो इस प्रकार से कहा जा सकता है कि जो बहराइच है वो कहीं ना कहीं आतंकवादियों का गल्फ भी निकलता जा रहा है जो उनके लिए जोन है। यहाँ से नेपाल के रास्ते होते हुए पाकिस्तान जाते हैं और उसके बाद अपनी गतिविधियों को संलिप्त करते रहते हैं और बहराइच में किस प्रकार से आतंकवादी गतिविधियां बढ़ी है वो कहीं ना कहीं ये बिल्कुल सबका प्रमाण है कि बहराइच भी आतंकवादियों का गढ़ बनता जा रहा है। और अबू बकर की गिरफ्तारी से कैसागंज से लेकर पूरे बहराइच जनपद में काफी ऐसा भय का माहौल आ गया है कि हर व्यक्ति एक संदेह की नजर में आ गया है और यही बताया जा रहा है कि अबू बकर के जो साथी थे वो बहराइच जनपद में उनका पूरा नेटवर्क फैला हुआ था और पिछले साल बहराइच जनपद में पड़ोस जिला है बलरामपुर वहां से भी एक ने गिरफ्तारी की थी। फिलहाल ताजा अपडेट ये है कि अबू बकर के परिजनों को कोतवाली में रोका गया है और उससे बिल्कुल लगातार जो जानकारी मिल रही है वो अबू बकर को लेकर ये जानकारी मिल रही है कि आईएसआई से उसके तार जुड़े हुए हैं। दाऊद इब्राहिम का भाई भी उसकी मदद कर रहा था लेकिन ऐसे में देखिए परिवार का बयान भी सामने आ रहा है। उनका परिवार कह रहा है कि उनका बेटा निर्दोष है, वो जमात में शामिल होने के लिए दिल्ली पहुंचा था, ऐसे में उसे गिरफ्तार कर लिया गया है। ये तो परिवार अपने बचने के लिए कुछ भी दिन कहता रहता है लेकिन जहां तक जो सूत्रों के मुताबिक जानकारी प्राप्त हो पा रही है अबू बकर की गतिविधियां काफी संदिग्ध थी और पूर्व में हाल के दिनों में ही उसने काफी बड़ी बिल्डिंग यहां पर बनाई थी जो एटीएस तलसे डेरा जमाए हुए बहराइच जनपद में लगातार उसे रडार पर ले रखा था। तो कहीं ना कहीं अबू बकर की जो परिवार वालों का कहना है कहीं ना कहीं गलत है लेकिन जो सूत्र बताते हैं कहीं ना कहीं अबू बकर की गतिविधियां काफी एक्टिव थी और उसके जो स्लीपर सेल उसके जो और भी आस पास के लोग थे उनके ऊपर भी गतिविधियां रखी जा रही हैं और भी जल्दी खुलासे हो सकती है, गिरफ्तारियां और भी हो सकती हैं और एटीएस बराबर लगातार बहराइच जनपद में बनी हुई है और कोतवाली में उनसे पूछताछ जारी है। जी बिल्कुल अनिल, और देखिए जिस तरह से आप भी जानकारी दे रहे हैं कि उसने अपना एक आलिशान घर भी बनाया हुआ था, बिल्डिंग बनाई हुई थी, ऐसे में देखिए वो एक इलाके में रह रहा था लेकिन वहां के आसपास के लोगों को उसके बारे में कोई जानकारी ही नहीं थी कि ऐसा कोई उनके आसपास आतंकी भी रह रहा है। तो क्या इस तरह से देखा जाए तो देखिए एक तरफ तो वो घर उधर रह रहा था, दूसरी तरफ लोगों को कोई जानकारी नहीं थी, तो ऐसे में अब पुलिस क्या आगे कर रही है और किस तरह से छानबीन की जा रही है इसको लेकर क्या अपडेट है? साल पहले कैसागंज कस्बे से सटा हुआ पकड़पुर एक कस्बा है जहाँ पर लश्कर का एक कमांडर वो डेढ़ साल तक यहाँ पर रहा था। तो कहीं ना कहीं पुलिस उसको पकड़ नहीं पाई और एटीएस भी गिरफ्तार नहीं कर पाई, सुरक्षा एजेंसियां भी उसमें नाकाम साबित रही। तो कहीं ना कहीं हमारे सूचना तंत्र को भी और भी मजबूत होना पड़ेगा कि इन लोगों की गतिविधियों पर खासतौर से इंडो नेपाल बॉर्डर के करीब जो भी जिले हैं उनके ऊपर विशेष निगरानी रखनी पड़ेगी तब कहीं जाकर इनको आतंकवादियों से हरों को महसूस किया जा सकता है। जी बिल्कुल अनिल, और क्या कुछ जानकारी मिल पा रही है? देखिए परिवार जिस तरह से कह रहा है कि उसका बेटा निर्दोष है, उधर मामले में लगातार अबू बकर से पूछताछ की जा रही है, तो क्या अभी पूछताछ में अबू बकर ने कुछ और बातें कबूली हैं या कुछ और जानकारी दी है? अबू बकर की गिरफ्तारी तो दिल्ली से हुई है लेकिन उनके जो परिजन है उनसे यहाँ पूछताछ जारी है और उसके जो दोस्त थे और उसके सहपाठी थे अगल बगल के लोग थे उनसे पूछताछ जारी है और कहाँ मिलता था कैसे जाता था वो इन बातों पर एटीएस लगातार जानकारी प्राप्त करना चाह रही है और प्राप्त कर भी रही है। और जो जानकारी में सूत्रों के मुताबिक आया है अबू बकर यहाँ से मस्कट के रास्ते होते हुए पाकिस्तान गया था, उसने वहाँ पर ट्रेनिंग प्राप्त की थी और उसके बाद वो दाऊद इब्राहिम का जो भाई दानिश इब्राहिम है उसकी सोच पर परिवार का कहना है कि उन्होंने उन्होंने लखनऊ उसको पढ़ाई के लिए भेजा था।
जी उसने लखनऊ से जो पढ़ाई करने गया था, लेकिन उसके साथ कहीं ना कहीं उसके दिमाग में जो बातें बैठ गई वो इंटरनेट मीडिया के जरिए से उसके दिमाग में बातें बैठती चली गई और वो कुछ परवेज में उसने आतंकवादी गतिविधियों में संलिप्त होता चला गया। तो कहीं ना कहीं उसके अंदर आतंकवादी गतिविधियां डेवलप हुई, उसी के तहत वो मस्कट के रास्ते होते हुए पाकिस्तान गया और वहां पर उसने ट्रेनिंग प्राप्त किया। उसके बाद इसी प्रकार से एटीएस को बहुत बड़ी सफलता मिली है, खासतौर से बहराइच जनपद को काफी संदेश आदत में आ गया है, जो पूर्व में भी तमाम पाकिस्तान का जासूस और लश्कर का कमांडर और दाऊद का खानसामा भी बहराइच से ही गिरफ्तार हुआ था। जी जी चलिए अनिल, आपका बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए। तो बता दें दिल्ली की इस पुलिस की स्पेशल टीम ने अबू बकर को गिरफ्तार किया है और जांच में जानकारी मिली है कि आतंकी को दाऊद इब्राहिम का भाई अनीस इब्राहिम फंडिंग कर रहा था और इसके चलते वो कम समय में ही ऐशोराम की जिंदगी जीने लगा था। हालांकि एटीएस और दिल्ली पुलिस जो है वो छानबीन कर रही है, पूछताछ कर रही है और जानकारी में ये भी पता चला है कि किसी व्यक्ति को अपने साथ हिरासत में लेकर वो गई थी, लेकिन अन्य जानकारी की पुष्टि नहीं है और साथ ही आगे कुछ भी कहना सही नहीं है क्योंकि लगातार पुलिस जो है वो छानबीन कर रही है, पूछताछ कर रही है। हालांकि ये कहा जा रहा है कि अबू बकर और उसके जो साथी थे वो नवरात्र के टाइम पर यूपी की कई जगहों पर कुछ आतंकवादी गतिविधि को अंजाम देने वाले थे। हालांकि अब पूछताछ में और जानकारी धीरे धीरे सामने आने वाली है। यूपी में विधानसभा चुनाव को लेकर सियासी माहौल गर्म है, ऐसे में नेताओं के बीच जुबानी जंग और तेज हो गई है और इसी बीच अब्बा जान शब्द के बाद अब चाचा जान चर्चा में आ गया है। दरअसल भारतीय किसान यूनियन के प्रवक्ता राकेश टिकैत ने चाचा जान शब्द का इस्तेमाल किया है। टिकैत ने AIMIM प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी को बीजेपी का चाचा जान कहा है। दरअसल टिकैत बागपत में एक सभा को संबोधित कर रहे थे और इसी दौरान टिकैत ने बीजेपी पर जबरदस्त हमला बोला। टिकैत कहा कि बीजेपी के चाचा जान असदुद्दीन ओवैसी यूपी आ गए हैं, अगर ओवैसी बीजेपी को गाली भी देंगे तब भी उनके खिलाफ कोई केस नहीं दर्ज होगा क्योंकि बीजेपी और ओवैसी एक ही टीम में हैं। तो ऐसे में विधानसभा चुनाव नजदीक है, बयानबाजी जो है वो जोरों पर चल रही है। अब चाचा जान अब्बू जान के बाद चाचा जान भी चर्चा में आ गए हैं। टिकैत ने ओवैसी को चाचा जान कहा है और ऐसे में अब उनका बयान काफी सुर्खियों में आ गया है। बीजेपी का चाचा जान आ चुका है उत्तर प्रदेश में, ओवैसी नाम का इनका चाचा जान है, बीजेपी का चाचा जान और आ चुका है उत्तर प्रदेश में, उसका सहारा लेंगे, उसको फुल आशीर्वाद है, वो गाली देगा ये कोई मुकदमा दर्ज नहीं करेंगे, वो कुछ भी कहेगा, इनका चाचा जान है, बुला कर जाए बहुत मन्नत के बाद में आ चुका है वो यहाँ पे, वो बर्बाद करेगा इस किसानों को यहां से। ये सब ए और बी टीम है, इनकी चाल समझने की जरूरत है आपको और आपने देख भी लिया होगा, ये षड्यंत्र रचेंगे, ये चुनाव के टाइम पे भी षड्यंत्र रचेंगे। आपने जिला पंचायत में देखा, अगर बागपत के लोग मजबूत ना होते तो कोई जीत सकता था? क्रांतिकारी लोग थे बागपत के। देश में लगातार 80 दिन से कोरोना के नए मरीजों का आंकड़ा 50,000 से कम है। बुधवार सुबह स्वास्थ्य मंत्रालय की ओर से जारी ताजा आंकड़ों के अनुसार पिछले 24 घंटों में 27,176 नए कोरोना के केस सामने आए हैं। वहीं पिछले 24 घंटे में 284 कोरोना संक्रमितों की जान चली गई है, जबकि 38,012 लोग कोरोना से ठीक भी हुए हैं, यानी कि 11,120 एक्टिव केस कम हो गए हैं। ऐसे में केरल में मंगलवार को कोरोना वायरस संक्रमण के 15,876 नए मामले सामने आने के बाद संक्रमितों की कुल संख्या बढ़कर 44,06,365 हो गई है। वहीं राज्य में सितंबर के पहले सप्ताह के दौरान रोजाना संक्रमण के लगभग 30,000 या उससे ज्यादा मामले सामने आ रहे थे, लेकिन उसके बाद संक्रमण में कमी आई है और बीते 24 घंटों में 129 कोरोना संक्रमितों की मौत हुई है, जिसके बाद मृतकों की कुल संख्या बढ़कर 22,769 हो गई है। जबकि कोरोना महामारी की शुरुआत से लेकर अब
अब तक कुल 3,33,16,000 लोग संक्रमित हुए हैं और इनमें से 4,43,497 लोगों की जान जा चुकी है। लेकिन अच्छी बात यह है कि अब तक 3,25,22,000 लोग ठीक भी हो गए हैं। ऐसे में देश में कोरोना एक्टिव केस की संख्या 4,00,000 से कम है। कुल 3,51,087 लोग अभी भी कोरोना वायरस से संक्रमित हैं जिनका इलाज चल रहा है। चित्रकूट के मऊ थाना क्षेत्र में चार किशोरी तालाब किनारे बकरी चराने गई थी, तभी चारों खेलते समय तालाब में कूद गई जिससे चारों की तालाब में डूबकर मौत हो गई है। जब चारों किशोरियों को शाम तक वो अपने घर नहीं वापस पहुंची तब उनके परिजनों ने उनको ढूंढना शुरू कर दिया, जिसके बाद परिजनों को चारों किशोरियों के शव तालाब में तैरते हुए मिले। वहीं पुलिस को सूचना देने के बाद भी एक घंटे की देरी बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने सभी शवों को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया और मामले की जाँच शुरू कर दी है। वहीं बता दें कि फिलहाल घटना से पूरे गाँव में मातम का माहौल छाया हुआ है। वहीं इस मामले में नवदीप शुक्ला का कहना है कि चारों शवों को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। वहीं पीड़ित परिवार को जो भी प्रशासन और शासन की तरफ से आर्थिक मदद होगी उन पीड़ित परिवारों तक पहुंचाई जाएगी। तो चित्रकूट का पूरा मामला है जहां पर 3 बच्चियों की तालाब में डूबने से मौत हो गई है। अभी मुझे करीब 10 मिनट पहले सूचना मिली, एसओ साहब ने बताया मुझे कि ऐसी ऐसी घटना हुई है बैसा तालाब में, 4 बच्चियों की डेथ हो गई है डूबने से। और जैसे पता चला कि 2 बच्चियां एक ही परिवार की हैं और 2 अलग अलग परिवार की हैं, तो बहुत ही हृदय विदारक घटना है हमारे क्षेत्र के लिए। और सभी बच्चियाँ 8 से 12 साल की हैं जैसे कि हम लोगों को पता चला, और जो भी अनुमन्य सहायता है ज़्यादा से ज़्यादा इनके परिवारजनों को उपलब्ध कराई जाएगी और पूरी संवेदनाएँ हमारे इनके परिवार वालों के साथ हैं। और जिस प्रकार से भी सरकार से और भी जो भी सहायता होगी उसमें भी हम लोग जो है पूरा प्रयास करेंगे इनके परिवारजनों को सहायता दिलाई जाए। माओ सभा लोग प्रधान अधिकारी क्या कर रहे हैं, क्या नहीं कर रहे हैं, कितना आवाज दे रहे हैं, कितना क्या कर रहे हैं सर। तो वो किसके किसके घर से थी, आपके घर से थी या नहीं? पारिवारिक हमारे साथ उठाए जा रहे हैं। पारिवारिक हैं तो उनका नाम, आपका क्या नाम है? मुन्ना लाल। अच्छा, उनका नाम क्या है लड़कियों का? लड़कियों का नाम चलिए नहीं मालूम है। तो वो एक ही घर की थी या अलग अलग घर की? 3 लड़की एक घर की है तो जी, और एक महेवा घाट के हमारी बिटिया की जी है। अच्छा, एक दूसरे घर की है, गाँव की। अलीगढ़ के कोतवाली सिविल लाइन पुलिस ने लूट की घटना का 12 घंटे में खुलासा कर दिया है। दरअसल एसएससी की तरफ से चलाए जा रहे अभियान ऑपरेशन प्रहार के तहत कार्रवाई करते हुए थाना सिविल लाइन पुलिस की तरफ से मुखबिर की सूचना पर एक शातिर लुटेरा गिरफ्तार किया गया है। गिरफ्तार किए गए लुटेरे के कब्जे से पुलिस ने लूट के 2,50,000 रुपये, अवैध तमंचा, कारतूस और लूट की घटना में इस्तेमाल की गई मोटरसाइकिल सहित लूट के रूपों की बरामदगी की कर ली है। तो वहीं पुलिस ने शातिर लुटेरों के कब्जे से अवैध तमंचा, जिंदा कारतूस भी बरामद करते हुए आर्म्स एक्ट में मुकदमा दर्ज कर आरोपी लुटेरों को जेल भेज दिया है। तो अलीगढ़ का पूरा मामला है जहां पर पुलिस के हाथ ये बड़ी सफलता लगी है और दंपत्ति से दिन दहाड़े लूट की घटना को अंजाम दिया था, जिसके बाद पुलिस ने अब इन लुटेरों को गिरफ्तार कर लिया है। बरेली के सुभाष नगर थाना क्षेत्र में एक दर्दनाक हादसा हो गया जहां एक आंधी तूफान और तेज बारिश के बीच दीवार गिर गई। वहीं दीवार गिरने से 4 साल के एक मासूम बच्चे की मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई। वहीं इस घटना से मृतक के परिवार में कोहराम मच गया है। तो बता दें बरेली का पूरा मामला है जहां पर तेज बारिश होने की वजह से घर की दीवार गिर गई जिसमें एक 4 साल का मासूम दब गया और 4 साल के मासूम की मौके पर ही मौत हो गई। बदायूं में चुनावी रंजिश में पूर्व क्षेत्र पंचायत सदस्य रामदयाल की गोली मारकर हत्या कर दी गई। वो सुबह टहलने निकले थे लेकिन शाम को गांव के पास खेत में उनका शव मिला। वहीं मौके पर पहुंची पुलिस को घर वालों के गुस्से का सामना करना पड़ा। परिजनों का कहना था कि गुमशुदगी दर्ज करते में पुलिस ने
ताड़म टोल की और काफी देर तक नोकझोंक होती रही। बाद में एसवीसीटी और सीओ के समझाने पर भी शव को उठाने दिया गया और इस मामले में मृतक की पत्नी मीना देवी की तहरीर पर मुकेश और इंद्रपाल के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया गया है। तो बदायूं का यह पूरा मामला है जहां पर चुनावी रंजिश में हत्या कर दी गई और पुलिस पर परिजनों का गुस्सा फूटा। पुलिस मामले की जांच में जुटी हुई है। उत्तर प्रदेश कांग्रेस ने आने वाले विधानसभा चुनावों की तैयारी के लिए बुधवार यानी कि आज से 15 दिवसीय प्रशिक्षण से पराक्रम महाअभियान के दूसरे चरण की शुरुआत कर दी है। इस अभियान के तहत कांग्रेस 30,000 कार्यकर्ताओं को प्रशिक्षित करेगी और ऐसे में कांग्रेस ने जुलाई में राज्य मुख्यालय में विशेष प्रशिक्षण टास्क फोर्स का गठन भी किया था और ये टीम लगातार कार्यकर्ताओं को प्रशिक्षित कर रही है। ऐसे में अभियान के चलते पहले चरण में कांग्रेस ने 25,000 कार्यकर्ताओं को प्रशिक्षित किया था, जबकि पहला चरण 11 दिनों तक चला था और पहले चरण के लिए 7 मास्टर ट्रेनर टीमों का गठन भी कर दिया गया था और हर टीम में 40 सदस्य थे। इन टीमों ने ब्लॉक अध्यक्ष, वार्ड अध्यक्ष और पंचायत अध्यक्ष के साथ साथ उत्तर प्रदेश के सभी जिलों में जिला और शहर समिति के अधिकारियों को प्रशिक्षित किया था और अब दूसरे चरण में विधानसभा क्षेत्र के स्तर पर कार्यकर्ताओं को प्रशिक्षण भी दिया जाएगा। फिरोजाबाद में डेंगू का कहर थमने का नाम नहीं ले रहा है। मंगलवार को 10 और लोगों की डेंगू से मौत हो गई तो वहीं 4 दिनों में 39 लोगों की जान चली गई और मरने वालों का आंकड़ा 153 पहुंच गया है। साथ ही अव्यवस्थाओं के चलते मरीज और उनके परिवार वाले परेशान हैं। किसी को बेड तो किसी को एम्बुलेंस नहीं मिल रही है। यहाँ के बता दें 100 बेड अस्पताल में अव्यवस्थाओं से जिंदगी दम तोड़ रही है। ऐसे में फिरोजाबाद में कोई मोहल्ला ऐसा नहीं है जहाँ मौत ना हुई हो। कई मोहल्लों की एक ही गलियों में एक से ज्यादा बच्चों की मौत हो रही है। उत्तर प्रदेश से भारतीय जनता पार्टी के फायर ब्रांड नेता और मेरठ के सरदुना से बीजेपी विधायक संगीत सोम का वीडियो इस समय चर्चा में है। दरअसल चर्चा में इसलिए है क्योंकि वो इसमें टिकट को लेकर बात कर रहे हैं। साथ ही वो इस वीडियो में कहते नजर आ रहे हैं कि गृह मंत्री अमित शाह को भी नहीं मालूम कि उनको कहाँ से चुनाव लड़ना है। लोगों का कहना है कि वो इस वीडियो में सरदुना से टिकट का दावा करने वालों पर तंज कस रहे हैं। इस वीडियो में बीजेपी के विधायक संगीत सोम ने कहा कि ध्यान रखना, ये जो लोग घूम रहे हैं इनको मैं पूरी तरह से जानता हूं। इनकी चक्री कहां से घूम रही है मुझे सब पता है। जो भी आएगा वो यही कहेगा कि मेरा टिकट पक्का हो गया है। कोई कहेगा मेरा टिकट हो गया, साहब मेरा टिकट 200% हो गया है, पता नहीं किसकी जेब में रख दिया टिकट। तो ऐसे में संगीत सोम ने ये अमित शाह पर तंज कसा है और टिकट को लेकर उन्होंने तंज कसते हुए तमाम बातें कही है। और इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया।